हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिवाइज स्टडी। टुडे आई डिस्कस अबाउट क्लास 7 इंग्लिश पार्ट 2 ऑफ लेसन 2 ऑफ फॉलो अप लेसन ए टिन वॉरियर मीन्स जड़े क्षुद्र योद्धा। तो पूर्व आम जानूँ तार मेन लेसन रे हाउ पुअर वी आर आम जानूँ जड़े धनी पिता तार पुओ को बुझाऊला जे से केते धनी किंतु ता पुओ बापा को बुझाईला जे प्रकृत से माने केते धनी। तो यही स्टोरी टी मध्य ता रिलेटेड रे किपर जड़े पंचम श्रेणी छात्री बजार मिलूवा माने बही को विरोध कला तो ता विषय स्टोरी टी आधारित। तो चलतु बर्तमान स्टोरी टी स्टार्ट करवा। तो बर्तमान एस जी पी वन फास्ट पाराग्राफ कौन अच्छी। वन इवनिंग मितू एंड सीतु टू सिस्टर्स वी आर स्टडिंग इन दियर रूम मीन्स दिने सन्ध्यार मितू एवं सीतु दुई भी से पढ़ा घरे पढ़ा कार्य करुले देन कौन अच्छी। मितु स्टडीज इन क्लास भी डबल आई एंड सीतु इन क्लास भी मीन्स मितु सप्तम श्रेणी में पढ़े एवं सीतु पंचम श्रेणी में पढ़े। द टू सिस्टर्स वी आर स्टडिंग इन टू डिफरेंट स्कूल्स मीन दुई भी दुईट अलग स्कूल पाठ पढ़ुले। दियर अंकल मिस्टर गिरी वाज वाचिंग देम फ्रॉम ए लिटिल डिस्टेंस मीन्स तांकर मामू बा दादा गिरीबाबू से मानू कि दूर लक्ष्य करुले। हि व्वाज ए रिटायर्ड टीचर मीन्स से जड़े अवसरप्राप्त शिक्षक। हि हेड कम टू भिजिट देम ऑन ए वीकेंड मीन्स से सप्ताह शेष दिन से मानू भेटा को आसुले। मिस्टर गिरी सो मितु रीडिंग वन पाराग्राफ फ्रॉम हर इंग्लिश टेक्स्ट बुक देन रीडिंग द मीनिंग ऑफ दिस पाराग्राफ इन ओडिया फ्रॉम ए बाजार नोटबुक व्हिच डिस्टर्ब हिम। गिरीबाबू देखिले मितु तार इंग्राजी पाठ्यपुस्तक एक अनुच्छेद पढ़ुला एवं परे परे से अनुच्छेदर ओडिया अनुवाद बजारु खरीद करथिबा एक माने बहीरु पढ़ुला हा तांकु बड़ अड़ुआ लागिला। इफ चिल्ड्रेन स्टडी इंग्लिश लाइक दिस दे विल नेवर लर्न इंग्लिश हि थॉट से भाविले जदि पिलामाने इंग्राजी एभली ढंग से पढ़े तेबे से माने इंग्राजी शिक्षा करिपरिबे नहीं। तो बर्तमान सेकंड पाराग्राफ द अंकल वाज ईगर टू हेल्प मितु लर्न इंग्लिश ऑन हर ओन विदाउट द हेल्प ऑफ दिस मीनिंग बुक तार दादा बा मामू जनक मितु किभली आपे आपे माने बही बिना इंग्राजी शिक्षा करिपरिबो से संबोधरे सहाय्य करिवाकु व्यग्र हो उठिले। He came close to her and asked her to read the first paragraph of the lesson silently. सेता पाखो को आसिले एवं प्रथम अनुच्छेद टिकु नीरवरे पाठ करिबा को कहिले। The lesson was the story of cricket. The first paragraph was पाठ्यपुस्तक थिला क्रिकेट रो एक कहानी प्रथम अनुच्छेद टी एही परे थिला। तो को परे थिला जालंतु पढ़िबा। The shape and the size of a cricket ground are not fixed. Means cricket पड़िया गुड़ी करो आकार प्रकार सब बेले स्थिर नुह। They are different. से गुड़ी को भिन्न भिन्न प्रकार रो। The cricket ground of Melbourne in Australia is bigger than that of Firozshah Kotla in New Delhi. Australia रो Melbourne cricket पड़िया दिल्ली रो Firozshah Kotla क्रिकेट पड़िया तुलना रे बहुत बड़ो। सिमिलरली द शेप ऑफ द चेपो क्रिकेट ग्राउंड इन चेन्नई इज सर्कुलर से ही भले चेन्नईर चेपो क्रिकेट पड़िया रो आकार गोलाकार बट द एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड इन ऑस्ट्रेलिया इज ओवल मीन्स किंतु ऑस्ट्रेलिया रो एडिलेड क्रिकेट पड़िया अंडाकृति रो। नाउ एस जी पी टू थर्ड पाराग्राफ कौन अच्छे। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड बिटवीन द अंकल एंड द निस इज स्टेड बिलो तार मामू और भाणीजी मध्य जहाँ घटला ता निम्न उल्लेख कर। तो फास्ट किए कौन मिस्टर गिरी कौन कौन एवरी पाराग्राफ हेज एन आईडिया और ए टॉपिक मीन्स प्रत्येक अनुच्छेद एक धारणा बा विषय वस्तु थाए। कैन यू टेल मी द लाइन हुई आर द टॉपिक इज मीन्स क्यों धाड़ी रे विषय वस्तु अच्छी तुम्हें मत कहीपर कि।
ह्वाट इज द पाराग्राफ अबाउट मीन्स अनुच्छेदटी केउ विषय रे देन मितु मितु कौन खोजे द फास्ट सेन्टेन्स मीन्स प्रथम वाक्य देन गिरीबाबू कौन कहते भेरी गुड आफ्टर टेलींग द टॉपिक द राइटर गिव्स एग्जांपल फैक्ट टू एक्सप्लेन द टॉपिक मीन्स बहुत भल विषय वस्तु कही सारापर लेखक विषय वस्तु को बुझाइवा निम्ते केतेक उदाहरण बा तथ्य दे थी कैन यू से ह्वाट एग्जांपल डज द राइटर गिव्स मीन्स लेखक क्यों क्यों उदाहरण दे तुम्हें कहीपर कि देन मितु मितु कौन कहते मेलबर्न एंड फेरोजशाह कोटला देन गिरीबाबू कौन कहते व्वेयर इज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एंड व्वेयर इज फेरोजशाह कोटला मीन्स केउठारे मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम अवस्थित एवं कोटला फेरोजशाह स्टेडियम अवस्थित देन मितु रीडिंग द पाराग्राफ अगेन मितु पाराग्राफ टी आउ थे पढ़ला एवं उत्तर देला इन ऑस्ट्रेलिया एंड दिल्ली देन मितु पाराग्राफ टी आउ थे पढ़ला एवं एनसर देला कौन ऑस्ट्रेलिया रे मेलबर्न स्टेडियम अवस्थित एवं फेरोजशाह कोटला हूँ दिल्ली में अवस्थित देन गिरीबाबू गिरीबाबू कौन कहले भेरी गुड बहुत भल व्हिच ग्राउंड इज बिगर इन साइज मीन्स क्यों ग्राउंडटा सबुठारु बड़ तो मितु कौन कहला मेलबर्न मेलबर्न ग्राउंडटा सबुठारु बड़ बोली मितु उत्तर देला देन गिरीबाबू कौन कहले गुड भल दिस इज अबाउट द साइज यह आकार विषय ह्वाट अबाउट द शेप आकृति विषय कौन व्हिच ग्राउंड इज सर्कुलर लाइक ए सर्किल मीन्स क्यों पड़ियाटी वृत्ताकार एक वृत्त भड़िया देन मितु कौन कहे चेपक ग्राउंड मितु कौन कहला चेपक पड़िया देन गिरीबाबू कौन कहते व्वेयर इज चेपक ग्राउंड कौठे अवस्थित तापर मितु कौन कहला चेन्नई इन चेन्नई चेन्नई रे चेपक ग्राउंड अवस्थित देन गिरीबाबू कौन कहते गुड भल व्हिच ग्राउंड इज ओवल शेप गिरीबाबू कौन कहले क्यों पड़ियाटी अंडाकृति तो मितु कौन कहला आडिलेड ग्राउंड मीन्स आडिलेड पड़िया अंडाकृतिर देन गिरीबाबू कौन कहते व्वेयर इज आडिलेड ग्राउंड मीन्स आडिलेड ग्राउंड कौठे अवस्थित तो मितु कौन कहे इन ऑस्ट्रेलिया आडिलेड पड़िया ऑस्ट्रेलिया रे अवस्थित नाउ फोर्थ पाराग्राफ नेक्स्ट द अंकल आस्क्स हिज नीस मितु टू गिव हर नोटबुक एंड ऑन हर नोटबुक ही मेड ए नोट ऑन द पाराग्राफ तापरे ता मामू तांको भाणीजी मितु को ता खाता मागिले एवं ता खाता रे अनुच्छेदर सारांश लिखिदेले द नोट वाज एज फॉलो सारांशटी निम्न प्रकार थिला तो केमिति थिला सारांशटी देखंतु एटु मु देखै दउची देखि पर्थि एटा लेखा हैसि क्रिकेट ग्राउंड डिफरेंट इन साइज एंड शेप तो दि प्रकार फर्स्ट वन हूँ साइज देन सेकंड वन हूँ शेप तो साइज रे कौन अच्छी बिगर आउ गोटे कौन अच्छी स्मॉलर तापर शेप रे देखि पर्थिबे गोटे अच्छी कौन शेप सर्कुलर आउ गोटे कौन अच्छी ओवल तापर देखि पर्थिबे एटी मेलबर्न ग्राउंड हूँ सबुठारु बिगर मीन्स बड़ ऑस्ट्रेलिया रो तापर एटा देखि पर्थिबे स्मॉलर फेरोजशाह न्यू दिल्ली रो एटा हूँ स्मॉलर तापर देखि पर्थिबे सर्कुलर भितर आसी कौन चेपक चेन्नई रो चेपक स्टेडियम तापर ओवल हूँ ऑस्ट्रेलिया रो एडिलेड तो वर्तमान फिफ्थ पाराग्राफ नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द पाराग्राफ मच बेटर तो वर्तमान तुम्हें अनुच्छेदटी को भल भाव बुझिपार द मीनिंग बुक ओनली गिव्स द मीनिंग इन ओडिया मीन्स माने बही केवल ओडिया अर्थ कही थाए इट इज नॉट यूजफुल इन लर्निंग इंग्लिश प्रॉपर्ली मिस्टर गिरी सेड मीन्स यह ठीक भाव इंग्राजी शिक्षा पाई दरकारी नुहे गिरीबाबू कहले तो वर्तमान एस जी पी थ्री सिक्स पाराग्राफ कौन अच्छे सीतु व्वाज साइलेंटली सीटिंग एंड व्वाचिंग ह्वाट हापेन बिटवीन हर अंकल एंड हर सिस्टर मीन्स सीतु नीरव बस लक्ष्य करूला जहाँ तर मामू और भाणीजी मध्य घटुला सी ब्रोक हर साइलेंस एंड आक्स इफ आवर टीचर्स रीड अलाउड
a paragraph and explain the meaning in Odia. Are they doing the right things? मितु तार नीरवता भांगी पचारा जदि आम शिक्षक मैंने गोटे अनुच्छेद को बड़ पाटी पढ़ती एवं यार अर्थ ओडिया बुझाती से मैंने कौन ठीक करती नो नॉट एट ऑल केबे नुहे दे आर एज हार्मफुल एट द बाजार नॉट सेड मिस्टर गिरी गिरी बाबू कहले से मैंने बजार माने बही पर क्षतिकारक अटंती तो वर्तमान सेभेन्थ पाराग्राफ कौन अच्छे ह्वाट हापेन्ड आफ्टर दिस इज द स्टोरी ऑफ सीतु मीन्स यहाँ जहाँ घटला ताहा सीतुर कहानी थिला सीतु सेड हाउ मीनिंग बुक्स हैव लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स मीन्स सीतु कहला किपरी माने बही गुड़ी करे बहुत भूल बा त्रुटि रही वन ऑफ हर टीचर्स डिड नॉट गिव हर एनी मार्क फॉर एन एनसर मीन्स तार जन शिक्षक गोटे प्रश्नर उत्तर किसी नंबर दे नी थॉट द रॉन्ग आंसर इन द बाजार नॉट व्हाट द राइट आंसर से बजार मान बही भूल उत्तर को ठीक उत्तर बोली भावुले सी टुक दिस मैटर टू हर हेडमिस्ट्रेस मीन्स सीतु यही घटना को तांकर प्रधान शिक्षयित्री निकट को आणिले She called the teacher and asked him to give her mark. She शिक्षकों को डाकिले एवं कहिले ताको नंबर देबाको. She also banned the use of bazaar notebooks in their school. से मध्य बजार रे माने बही गुड़ी को तांको विद्यालय रे व्यवहार न करिबाको कहिले. She made Situ the leader of the movement against meaning books in their school. से विद्यालय बजार रो माने बही विरोध रे आंदोलन रे सीतु को नेत्री करी देले तो नेक्स्ट वीडियो रे यार क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो एसजीपी 1 एसजीपी 2 एंड एसजीपी 3 रो आसीबो तो यही वीडियो टी भल लागी थिले नियाते गोटे लाइक करिवे शेयर करिवे एंड सब्सक्राइब करिवा को जमा भूलिबेनी थैंक यू